फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा बहुत सारा काम अभी बाकी है। उर्वी काव्या को मैंने नहला दिया है, ये देखिए उर्वी नहाली है, उर्वी को मैंने नहला दिया, काव्या को नहला दिया है और बाबू को अभी मैंने नहीं नहलाया है। बाबू अभी खेल रहा है, बाबू नहीं नहाया है अभी, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम आज लग ही जाएगा। कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े मैंने धो लिए हैं और कपड़े बस सुखाने जा रही थी मैं। बाबू मेरे आगे पीछे घूम रहा था और देखिए कपड़े मैंने धो दिए हैं, मतलब आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे धुल गए हैं। टाइम लगता है हर चीज़ में क्योंकि धीरे 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 करना पड़ता है काम, और एक काम के साथ साथ मैं और दूसरा काम भी, जैसे किचन साफ़ करना मैं साथ में कर लेती हूँ। ये देखिए किचन साफ़ करने के लिए मैं सबसे पहले जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं उन्हें उठा के रखती हूँ, बाकी जो बर्तन हैं वो जो धुले हुए हैं उन्हें भी मैं उठा के रखती हूँ। जो धुलने वाले बर्तन हैं, जो गंदे बर्तन हैं, वो मेरे को धोने हैं। पहले ये बोतल जो मैं गर्म पानी की रखती हूँ इसे साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे गर्म पानी फिर से दोबारा से रखना होता है, और जो एक्स्ट्रा सामान मेरा किचन का फैला हुआ है उसे मैं उठा के रखती हूँ। जैसे लाइटर वगैरह ये सब मैं एक साथ कर ही रही हूँ। साथ कपड़े भी धोने होते हैं क्योंकि साथ में मशीन लगाई होती है, तो सोचती हूँ एक साथ दो काम हो जाएंगे ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये बोतल से मैंने सोचा बाबू खेल लेगा तो इसलिए मैंने ये बाबू को दे दिए। अब देखिए गैस को मैं साफ़ कपड़े से पोंछने की बजाय मैं सोचती हूँ इसे भी मांज देती हूँ, तो इसलिए इससे जल्दी मेरा काम आसान हो जाता है। देखिए मैंने जो मशीन का पाइप लगाया हुआ है मशीन में, उसी से मैं गैस साफ़ कर देती हूँ। मैंने पानी चला के इसे साफ़ कर दिया है, मुझे इससे बहुत मदद मिलती है। एक साथ मशीन और किचन के साथ ही मैंने मशीन रखी हुई है तो इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होता है। ये देखिए विम बार, ये हम कल ही सामान में मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो ये मैंने निकाला है आज, वरना मैं डेली यूज़ के लिए घड़ी साबुन वगैरह मैं मंगवाती हूँ तो ये एक साथ ले आए थे। साथ साथ जो सब्ज़ी वगैरह में थोड़ी बहुत छींटे टाइलों पे लग जाती हैं वो मैं सोचती हूँ साथ में ही साफ़ कर दूँ, तो इसलिए मैंने कल जो जैसे चाप मलाई चाप बनाई थी तो उसकी छींटे लगी हुई थी। जब कोई बड़े बर्तन में खाना बनता है तो दीवार पे भी छींटे चली जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इसे भी धो दिया है। अब देखिए मेरी गैस एकदम साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर, जैसे बर्तन चमकते हैं बर्तन भी चमक गए हैं, बर्तनों की तरह ही चमक गई है। और मैंने एक छोटा सा वाइपर मैंने ला रखा है वो उसी से मैं इसे स्लिप को भी साफ़ कर देती हूँ, और जो इसके आसपास पानी वगैरह जमा हुआ होता है वो दोबारा से साफ़ करने के, देखिए जैसे थोड़ा वो साफ़ गंदा रह जाता है तो इधर उधर टाइलों वगैरह पे पानी ही मारना सही होता है। वहाँ जैसे बर्तन धोते हैं तो बर्तन में साबुन वगैरह की छींटे वहाँ चली जाती हैं, तो मैं इसी से साफ़ कर देती हूँ ताकि ये साफ़ रहे। ये डेली ये काम जो हैं डेली यूजेस के हैं ये, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा हो नहीं पाते हैं क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी का काम हम लोग कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत काम ही करा जाता है क्योंकि ठंड बहुत होती है। ये देखिए छोटा वाइपर मैंने लाया हुआ है, ये स्लेब पे पानी निकालने के मेरे काम आता है, इससे पानी जो है बहुत जल्दी से निकल जाता है। पानी निकलने के बाद अगर मैं कपड़े से पोंछती हूँ तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है, इससे मेरे को आसानी होती है कि इससे पानी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है।
ये मेरे पीने के पानी का मटका है, ये मैं आरओ से भर के रखती हूँ। आरओ मेरे यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, आरओ नीचे लगा हुआ है मम्मी जी के पास, छोटे वाले देवर के पास, तो वहीं से हम लोग पानी भर लेते हैं। अब देखिए, अब मेरे को जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, मैं उन्हें जल्दी 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 फटाफट से धो लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर मेरा पोछा लगाना रह जाएगा, तो कपड़े जो हैं धुल चुके हैं सारे। देखिए, मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। कपड़े बहुत सारे थे, अभी मशीन में और भी पड़े हुए हैं, कपड़े मैंने धो दिए हैं। देखिए, मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं नहा भी लिया है। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सूखापन नहीं होता है, और इसीलिए मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। और फिर उसके बाद मैं स्वेटर वगैरह पहनकर ही रहती हूँ, क्योंकि ये देखिए उर्वी को, उर्वी ऐसे देखती है, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, मम्मी हर काम फ़ोन में देख के करती है। इनको बच्चों को आजकल पता नहीं क्या लग रहा है कि मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन दिया है क्योंकि ठंड बहुत है, तो बगैर स्वेटर के नहीं रह सकते। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं आज कुछ नहीं बनाऊँगी, बस खाली मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि सब्जी मैंने जो रात बनाई थी वो मेरी रखी हुई है, और मलाई चाप मैंने जो बनाई थी वो मेरी रखी हुई है, और बस अब मैं इसलिए बस रोटी रोटियाँ सेकूँगी। और क्योंकि देवरानी के जेठानी के बच्चे भी आज मेरे पास ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी रोटियां बनाई हैं। तो चलिए रोटियां से। और मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन दिया है क्योंकि ठंड बहुत है, तो बगैर स्वेटर के नहीं रह सकते। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं आज कुछ नहीं बनाऊँगी, बस खाली मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि सब्जी मैंने जो रात बनाई थी वो मेरी रखी हुई है, और मलाई चाप मैंने जो बनाई थी वो मेरी रखी हुई है, और बस अब मैं इसलिए बस रोटी रोटियां सेकूँगी। और क्योंकि देवरानी के जेठानी के बच्चे भी आज मेरे पास ही खाएंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी रोटियां बनाई हैं। तो चलिए रोटी खा ली है, रोटी बना ली है, अब हम जा रहे हैं ऊपर धूप सेकने, बाबू को थोड़ी सी धूप सिखाने। बाबू हेलो बोलो, धैर्य धैर्य, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। वीडियो बनाती है मम्मी। हम आ गए धूप में, धूप सेकने। धूप तो आ रही है बहुत अच्छी वाली आज। ये देखिए, इनसे मिलिए, इनकी तबीयत आज ख़राब है, इसलिए आज ड्यूटी नहीं गए हैं ये। इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, रात को थोड़ा पेट में दर्द था, इसलिए ये ड्यूटी नहीं गए। मुझे सांस चढ़ गए हैं क्योंकि मैं 2-3 जीने चढ़ के आई हूँ, इसीलिए। बच्चे खेल रहे हैं। धैर्य कहाँ गया? धैर्य जरा ये सारे कपड़े उतार के एक तरफ कर दो। ना रहने, सुखने दे, धूप अच्छी है। ढक कहाँ रही है? धूप तो लग नहीं रही।